मानसून की पहली बारिश नहीं झेल पाया कोयलागंज का लाइफलाइन कहा जाने वाला गेरुआ पुल का डायवर्सन। जी हां, यहां पर लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। देखिए, टंडवा के प्रखंड क्षेत्र के कोयलांचल उद्योग नगरी आज अपनी बदहाली रो रहा है। लाखों करोड़ों से ज्यादा की लागत से बन रहे विकास कार्य, सड़क, पुल, पुलिया, नली, नाला मानसून की पहली बारिश के पानी ने बहा दिया है। वही क्षेत्र के कई सड़कें भी गड्ढे में तब्दील हो गया है। टंडवा के लाइफलाइन कहे जाने वाला गेरुआ पुल अपनी बदहाली का आंसू बहा रहा है। पिछले 13 मार्च की रात हुए मूसलाधार बेमौसम बारिश के कारण 14 मार्च की सुबह टंडवा की लाइफलाइन कहे जाने वाले गेरुआ पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने गेरुआ पुल में बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद स्थानीय विधायक के पहल पर NTPC व CCL दोनों मिलकर 24 घंटे के अंदर गेरुआ नदी में वैकल्प डायवर्सन बनाकर आवागमन शुरू कराया था। बारिश के पानी से गेरुआ नदी में वैकल्प बना डायवर्सन बार बार बह जाने से CCL और NTPC पर भी उंगलियां उठ रही है। इस मामले में सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास ने झारखंड सरकार से मिलकर कई बार गेरुआ पुल निर्माण और अप्रोच पुल बनाने को लेकर मिले हैं, लेकिन सरकार भी शायद इसे नजरअंदाज कर रही है। बारिश में कोयलांचल में बर्बादी की बदहाली के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि गेरुआ पुल में क्षमता से अधिक भारी वाहनों का आवागमन CCL और NTPC प्लांट में होता था। इस टूटे गेरुआ पुल की बदनसीबी का जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। डायवर्सन लगातार 3 बार टूट जाने के कारण लोगों की बहुत परेशानी है और अपना जान जोखिम में डाल करके भी अपना अपना बाइक को इस पार से उस पार कर रहे हैं और बहुत परेशानी हो रही है ये डायवर्सन टूट जाने के कारण से। तो पुल 3 महीना पहले से ही टूट चुका है। इसमें स्थानीय प्रति